हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम लोग बनाते हैं मिक्स वेज। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी सब्जी होता है, कभी भी बना सकते हैं इसको। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बना के आप टिफ़िन में ले जा सकते हैं। कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर ले जाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत ही ईजी सब्जी है, कई तरह की सब्जियों मिला करके इसे बनाया जाता है। मिक्स वेज बोला ही जाता है इसे। तो इसमें हमने लिया है ये बूढ़ा, इसे बीन्स बोलते हैं, गाजर है, आलू है, शिमला मिर्च है, पनीर, टमाटर, टमाटर को छोटे छोटे काट लिया, इसे सब्जी में डालेंगे। ये मसाले में पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, इसे मैंने छोटे छोटे काटा, इसे लंबे लंबे काटी हूँ, इसे सब्जी में डालेंगे। ये अदरक है, हरी मिर्च है जो मैंने कद्दूकस कर लिया। तो ये सारी सब्जियों को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में, सारी सब्जियों को पहले फ्राई करेंगे। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही टेस्टी सब्जी होता है फ्रेंड्स। तो आइए उसके लिए हम लोग गैस जला लेते हैं। इस पर रखते हैं एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल, पूरी पर्याप्त तेल डालेंगे क्योंकि सब्जियों को पूरी फ्राई करनी है। थोड़ी सी आयली होती है सब्जी, लेकिन होती बहुत टेस्टी है। इस तरह से अगर बेस सब्जी बनाएंगे तो फ्रेंड यकीन मैंने बिना भूख का खाना खा लेंगे, तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो तेल गर्म होने देते हैं। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम आलू को फ्राई करते हैं। इसे अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, किसी भी सब्जी हो, गोभी है गोभी भी डाल सकते हैं। मेरे पास गोभी नहीं है, मटर है, मटर तो मैं डाल रही हूँ, मटर इधर रखी हूँ मैं थोड़ा सा भिगो करके फुलाने फूलने के लिए, अभी डालेंगे तो दिखाएंगे। तो इस तरह से सारी सब्जियों को पहले हम लोग फ्राई करेंगे, अलग अलग फ्राई करेंगे, एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, सारी सब्जियों को अलग अलग फ्राई करेंगे। इस तरह से अलग अलग फ्राई करते हैं। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है, बस इतना ही फ्राई करेंगे सारी सब्जी। हम इसको निकाल लेते हैं और सब्जी को फ्राई। अब गाजर को कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे एक एक बार में। तो गाजर फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गाजर फ्राई हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गाजर, ये शिमला मिर्च भी हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से ज़्यादा ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करना है सबको। अब इसी में पनीर को भी पहले कर लेते हैं, फिर बीन्स को करेंगे, पहले पनीर कर लेते हैं। तो देखिए पनीर भी हो गया है। पनीर को फ्राई करने के बाद सीधे हम लोग गर्म पानी में नमक डाल करके उसमें डालेंगे, क्योंकि पनीर ऐसे कड़ा हो जाएगा। पनीर भी हो गया, अब इसी में इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारी सब्जियों को हम लोग फ्राई कर लेंगे। अब आइए तड़का लगाते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे एक चम्मच भर के अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, अब थोड़ी सी हींग। अब थोड़ी सी ये सब चटक जाए तब इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। हो चुका है, इसमें डाल लेते हैं अदरक। अदरक और हरी मिर्च को कद्दूकस करके डाला है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई ये नहीं है कि ये पेस्ट भी डाला जा सकता है। थोड़ा सा करने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर, ये हो चुका है, इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्चा पाउडर। अब सारे मसाले को टमाटर गलने तक एक साथ पका लेते हैं। ऐसे थोड़े से पानी डाल देते हैं कि जलने ना पाए, और इस तरह से पका लेते हैं थोड़ा। तो देखिए इसके मसाले, बस एक मिनट और इसको मसाले भून लेते हैं। तो देखिए मसाला भून चुका है। ये सब्जी मैं बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ। अगर आप प्याज लहसुन खाते होंगे तो तड़के में एक प्याज मेन काट के डाल सकते हैं। उनका बनाया मसाला भून गया, सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। इसी के साथ मटर भी डाल देंगे, जो को मिक्स करेंगे। दो मिनट इसको भूनने के बाद इसमें बाकी सब्जियाँ डाल। दो मिनट हो चुका है, अब इसको बाकी की सब्जी, टमाटर है लंबे लंबे कटे हुए टमाटर, और ये पनीर, इसका पानी भी वेस्ट नहीं करेंगे, अभी पानी पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन पनीर डालने के बाद थोड़ा सा मिला लेते हैं। फिर इसको भी दो मिनट पका लेते हैं, फिर पानी डाल। मिनट हो चुका है, अब इसमें डालते हैं एक चम्मच भर के गरम मसाला, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है।
अब सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से और यही पानी इसमें डाल देते हैं करके 10 मिनट पकाएंगे, तब तक सब्जियां पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। इसको ढक करके 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देख करके पास से करके दिखाते हैं। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। अब इसे प्लेट में निकाल के आप लोगों को दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन के तैयार है। इस तरह से बनाइए और खाइए मिक्स सब्जी, इतना टेस्टी और इतना लजीज होता है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस तरह से बनाइए और खाइए और देखिए देखिए कितना कलरफुल, कितना स्वादिष्ट सब्जी बनी है। इस तरह से बनाइए और खाइए अपने पूरे परिवार के साथ, इसका मज़ा लीजिए। अगर कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से या सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से मिक्स सब्ज़ी बनाइए और अपने परिवार के साथ मज़ा लीजिए। इस सब्जी को आप कैस किसी भी चीज़ के साथ, रोटी सब्जी चावल पराठे पूड़ी किसी के साथ साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो बनाइए फ्रेंड्स इस तरह से मिक्स वेज सब्जी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।